तो देखिए, यहाँ पर कॉलर बनाने के लिए आपको दो पट्टियाँ लेनी हैं एक समान। जितनी आपको लंबाई की कॉलर बनानी है उसकी आपको 2 इंच बड़ी पट्टी लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ 14 इंच लंबाई की कॉलर बनाऊंगी तो आपको 16 इंच लंबाई की कॉलर लेनी है। ये मैंने दोनों 16 इंच लंबाई की ली है। और यहाँ पर कॉलर को आप इस तरह से अपने गले में डालकर देख सकते हैं कि आपको कितना राउंड इजीली आ रहा है, उस हिसाब से आपको कॉलर बनानी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, है ना। और इसकी चौड़ाई, क्योंकि कॉलर के नीचे वाली चीज थोड़ी सी कम होती है तो पट्टी वो वाली, तो ये मैंने ली है 2.5 इंच। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ये 3 इंच की लेनी है, ये 2.5 इंच की लेनी है। अब हम इसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। तो देखिए, इसे मैं एक साइड रखूंगी और इसे आप बिल्कुल अच्छे से डबल फोल्ड कर लें, और मैं यहाँ पर एक पिन लगा लेती हूँ। तो देखिए, ये हमारी कॉलर बनेगी। अब तो आपको इसे दोनों साइड से हाफ हाफ इंच कम करना है। तो हाफ इंच हम यहाँ से कम करेंगे, हाफ इंच हम यहाँ से कम करेंगे, है ना। अब आपको बनानी है 14 इंच की कॉलर, तो उसका हाफ 7 इंच। तो ये 7 इंच मैं यहाँ रख देती हूँ, ये 7 इंच आपको यहाँ तक ही कॉलर बनानी है। तो देखिए, हम चौक से निशान लगाएंगे, जिससे 19-20 कम ज्यादा हो तो हम उसे कर लें। अब आपको जो हमने यहाँ से ये लिया था, इस कोने से इस हाफ इंच के पॉइंट को मिलाना है। तो हम इसे इस तरह रख लेंगे, और ये देखिए आपको एक तो ये इस तरह से यहाँ मिलाना है और सेम इसका यहाँ मिलाना है, या हम इसे इस तरह पलट भी सकते हैं। तो देखिए, ये सेम टू सेम हो गए हमारे। अब चूंकि हमें तो 7 इंच का कॉलर बनाना है, तो यहाँ से ये 7 है ना, 7 इंच इस तरह से ये होता है। अब आपको इसकी कोन कितनी देनी है, अगर आपको ये 1 इंच मैंने ज्यादा लिया था, अगर आपको पूरी 1 इंच जितना कॉर्नर बनाना है तो आप इतना बना सकते हैं, और हाफ इंच जितना बनाना है, जितनी आपको इसकी नोक निकालनी हो उतना आप इसे यहाँ से तिरछा कर दें। तो मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने ये कॉलर कट किया। आपका यहाँ से इस तरह कर्व आना चाहिए और यहाँ से भी इस तरह कर्व आना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको पेपर पर बताऊं कि एक कॉलर इस तरह यूं, और यहाँ से भी हल्का सा ये कर्व जाती है, तो आपके यहाँ से भी कर्व होनी चाहिए और यहाँ से भी कर्व होनी चाहिए। तो इस तरह हम इसे खोल कर देखते हैं कि हमारी ये किस तरह आई है। तो देखिए, इसमें हल्का सा यहाँ से भी कर्व जाएगा और यहाँ से भी कर्व जाएगा। तो ये मेरी 14 इंच की होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये एग्जैक्ट 14 इंच की है ना। अब हम इसकी दूसरी पट्टी लेंगे, अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम एक पिन लगा लेंगे बीच में। अब देखिए, इसमें भी आपको हाफ हाफ इंच ऊपर और नीचे निशान लगाने हैं, लेकिन ऊपर इसे हमें 1 इंच बड़ी बनानी रहती है। अगर ये 14 इंच की बनाई है हमने, तो इसे हम 1 इंच इससे बड़ी बनाएंगे। तो ये जो हाफ इंच का मैंने रखा है, इसे हम इस तरह यहाँ रखेंगे, और देखिए इसको मैं सेम यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये तो मैंने सेम ड्रॉ कर दी। अब आपने जो हाफ इंच नीचे रखी है, इसे आपको इस तरह से जैसे हमने पहले किया था ना, और देखिए ये मैंने ये यहाँ से इस तरह पूरा आगे तक ले लिया। अब यहाँ तक हमारी ये वाली कॉलर का निशान है, ये वाली, इसे भी हम इस तरह से आगे लेंगे नीचे झुकाते हुए। तो ये दोनों एक जैसी हो गई। तो देखिए, अभी तो हमने ये इसे पूरा इस तरह गोलाई में काट लिया है। अब हल्का सा आपको यहाँ से इसे तिरछा करना है, बिल्कुल हल्का सा। तो ये यहाँ से हम नाप के देख लेंगे, ये इस तरह से है, और इसे आपको इस तरह तिरछा काटना है। वैसे ही ऊपर और नीचे से बिल्कुल बराबर है। तो ये देखिए,
ये हमारा ऊपर और नीचे से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। मतलब आपने रेडीमेड कॉलर भी देखा होगा, तो आपका यहाँ से कोई गैप नहीं आता, सिर्फ यहाँ से आता है। और ये वाली शेप, जैसे अब हम इसे खोलते हैं, तो ये इस तरह से आएगी। ये बिल्कुल इसके यहाँ सेंटर से ये दोनों अटैच रहेंगी, और ये इस तरह से आपकी कॉलर आएगी। और चूंकि आप इसे इसके ऊपर ही रखकर कट करते हैं, तो आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ वाला पॉइंट आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे काट कर एक सा कर लें, बिल्कुल आपका यहाँ पर कोई गैप नहीं आना चाहिए। और नीचे की पट्टी ऊपर की पट्टी से थोड़ी सी छोटी होती है। अगर आपको ये चौड़ी लग रही हो, जैसे देखिए मेरी भी थोड़ी सी ये छोटी है, तो उस हिसाब से आप देख लें। और आपको अगर थोड़ी बहुत छांट और देनी हो, तो आप इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कॉलर तैयार है, और आप इस तरह अपनी कॉलर को कट कर सकते हैं। और इसे बनाना मैंने अपने वीडियो में सिखाया ही था, तो आप वहां से देख सकते हैं।